कृषक बंधु, आज औषधियों के अध्ययन के क्रम में हम चर्चा करते हैं CMS पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली औषधि, जिसका नाम है फुराजोलिडॉन। दिस इज द जेनेरिक नेम ऑफ द मेडिसिन फुराजोलिडॉन, और इसे फुरक्सान नाम से ट्रेड नेम से कंपनी ने बनाया है, जो बहुप्रसिद्ध औषधि है। और यह औषधि 100 मिलीग्राम की टिकिया के पैक में आती है। क्या 100 मिलीग्राम टिकिया पैक में आती है, बच्चों के लिए सिरप आता है। और ये मुख्य रूप से जलन और दर्द, जलन और दस्त, नॉट दर्द सॉरी, जलन और दस्त में प्रयोग होता है। और जो इसके डायरिया में ये औषधि, दस्त में ये औषधि उसके बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार देते हैं और उसमें लाभ करता है। जो बैक्टीरिया संक्रमण फैलाते हैं, जो बैक्टीरियाज संक्रमण फैलाते हैं या जिनसे संक्रमण फैलने की संभावना होती है, ऐसे बैक्टीरियाज जो संक्रमण का कारण बनते हैं, उन्हें ये उन बैक्टीरियों की वृद्धि को रोक देती है, वृद्धि को रोक देती है और उन्हें मार डालती है। तो इस प्रकार से ये औषधि है फुराजोलिडॉन, सस्ती औषधि है और जनरल प्रैक्टिस में भी अच्छा काम कर लेती। इसके कुछ साइड रिएक्शन भी हो सकते हैं, जैसे त्वचा पर लाल चकते पड़ जाते हैं, लाल लाल चकते पड़ जाते हैं जब ये अधिक मात्रा में प्रयोग होती है। किसी किसी को जोड़ों में दर्द होने लगता है, BP कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मरीज आराम से लेट जाता है, बैठने की क्षमता नहीं रहती है, चक्कर भी आ जाता है, सिर दर्द होता है। तो जब कभी कोई ऐसा मिचली आती है, कमजोरी आती है जैसा मालूम पड़े, तो ये साइड इफेक्ट भी इस औषधि के हैं। अगर ऐसा कुछ है तो औषधि तत्काल बंद कर दे, उसकी जगह एंटी एलर्जिक औषधि दे, मरीज को पानी पिलाए, पानी की मात्रा कम न होने दे, और प्रायः जनरली ये ठीक हो जाता है। तो इस औषधि का नाम है फुराजोलिडॉन, दिस इज द जेनेरिक नेम, ट्रेड नेम इज द फुराजोलिडॉन। प्रत्येक टिकिया में 100 ग्राम फुराजोलिडॉन होता है। एक टिकिया सुबह दोपहर शाम या दो दो टिकिया सुबह दोपहर शाम एज मरीज की आवश्यकता होती है, उस ढंग से इसे देते हैं। और ये इन्फेक्शन को दूर करने की एक औषधि है, जो पेट के इन्फेक्शन, पेट के संक्रमण को ठीक करती है, जलन जो पैदा होती है उसे ठीक करती है, डायरिया को ठीक करती है। हाँ, इसके साथ अब हम बता दें संक्षिप्त संस्था के बारे में। संस्था वर्ष 1987 से लगातार प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में मॉडर्न मेडिसिन में उन अनुभवी चिकित्सकों को जो पिछले 5, 10, 15, 20 वर्षों से या और अधिक समय से समाज की सेवा दे रहे हैं, पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे उन चिकित्सकों को संस्था डिप्लोमा पाठ्यक्रम करा करके उनके ज्ञान में जो कमियां हैं, जो उनमें व्यवहारिक कमियां हैं, उन्हें दूर करती है। संस्था महीने में 2 दिन के लिए क्लास संगोष्ठी का आयोजन करती है, विशेष क्लास का। सभी चिकित्सकों को बुलाया जाता है, सभी छात्रों को बुलाया जाता है, किन्हीं चिकित्सा विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, वो विभिन्न चिकित्सा के विभिन्न विषयों पर छात्रों को जानकारी देते हैं। इसके साथ ही नेचुरोपैथी, योगा, अल्टरनेटिव के क्षेत्र में संस्था शोध करती है, डिप्लोमा कोर्स कराती है और
संस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संस्था की नियमावली मंगाएं और हमें इन फोन नंबर पर फोन करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9336850868। दूसरा नंबर है 8756465631 और तीसरा नंबर है 9336104146। इसी प्रकार से इस पर आप अपना नाम पता हमें भेज देंगे, हम आपके पास रजिस्ट्री से निःशुल्क नियमावली भिजवाएंगे जो एक सप्ताह में आपको मिल जाएगी। उसे पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर संपर्क करेंगे। और हमारी एक वेबसाइट है, इसका नाम है saimission.org, www.saimission.org। जैसे ही गूगल में इसे टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, तुरंत खुल करके आ जाएगी। इसमें 12-15 शीर्षक हैं, हर शीर्षक में 4-5 पन्ने हैं। एक एक वाक्य को, एक एक सेंटेंस को सब ढंग से पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर जो समझ में ना आए, जहाँ भ्रम हो, तो फिर संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, बिना नियमावली पढ़े या बिना वेबसाइट देखे किसी चिकित्सक से किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की जाती है। YouTube में हमारा एक चैनल है जिसे तातिया साईं चैनल कहते हैं। YouTube में या Google में जाकर सर्च करें तातिया साईं चैनल, हमारा चैनल खुल करके आ जाएगा। उसमें लगभग 300 एपिसोड हैं मेडिकल के संबंध में, जिसमें मेडिकल के विभिन्न विषयों पर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा, जनरल उपचार, घरेलू होम रेमेडीज और विभिन्न मेडिकल के विभिन्न सब्जेक्ट, शरीर रचना क्रिया विज्ञान अर्थात एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, जनरल साइंस, हाइजीन जैसे विषयों पर सारगर्भित लेख, सारगर्भित तथ्य और मेडिकल से संबंधित विभिन्न विषयों का ऑपरेटर्स का ज्ञान, जैसे आला का ज्ञान, सिरिंज का ज्ञान, ड्रिपिंग कैसे करते हैं, ग्लूकोज कैसे चढ़ाते हैं, नेबुलाइजर मशीन का कैसे प्रयोग करते हैं आदि आदि की सारगर्भित जानकारी दी जाती है। अगली चर्चा हम करते हैं अगले एपिसोड में।